मॉर्निंग दोस्तों, द मीनू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज है डे 6, 75 डे हार्ड चैलेंज का। तो हम और जा रहे हैं पार्क में, वही डेली रूटीन। तो अभी समय हो रहा है सुबह 5:16, और ये देख रहा हूँ ना, ये जो लाइटें लगी हुई हैं, ये जो माता जी की चौकी रखी जाएगी नवरात्रों में, उसके लिए लगी है। तो मैं कहाँ से कहाँ आ गया। तो हम लोग जा रहे हैं अभी पार्क, पार्क में जाएंगे और वहाँ पर जा कर के भाई डेली रूटीन अपना, एक्सरसाइज और स्किपिंग। ये देखो, ये लेके आजकल रेगुलर टाइम से निकलती है, टाइम से। इसको तुम कुछ ना करवाओ, इसको पार्क में स्किपिंग करवाओ बस। स्किपिंग करने के लिए सबसे पहले सुबह 5 उठेंगे, आज 100 स्किपिंग करनी है, मतलब एक बार में 100। 3 ऐसे करीब लगाती हैं, 3 सेट 2 सेट ऐसे कर लेती हूँ, मोस्टली 3 होते हैं। तो चल रहे हैं पार्क में। लो भाई, लाइट का एरिया समाप्त हो गया, यहाँ से अंधेरा शुरू। लेकिन अब उजाला आएगा जीवन में। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल द मीनू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। भी फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आए हो बहुत अच्छे होंगे, ऑफकोर्स मैं भी ठीक हूँ। तो हम अपना चैलेंज पूरा करके आ गए हैं, अभी लौट रहे हैं। 6:45 से 7 बजने वाले, कितने टाइम हो? 6:50 हो रहा है। 6:50 यानी कि 20 बाकी रहते हैं, तब हम वहाँ से चल देते हैं 6:45 6:50 पे। तो अभी 7 बजने वाले, अभी हम चल रहे हैं रास्ते में, रूम में पहुँच जाएंगे। इधर फूल वूल ले आए हैं पतिदेव पूजा करने के लिए। अभी फ्रेंड हम आ गए हैं रूम पे और मैंने आराम नहीं किया। इनको देखो, सच्चाई इन्हें भी पता है कि रूम पे मैं आया हूँ पहले, मैंने बिस्तर सही किया है, तकिया सही किया, उसके बाद मैं लेटा हूँ। ये आपको लग रहा है बिस्तर सही है? ये बिस्तर सही नहीं है, ये सही है। इधर सारे सुकड़े, इसको टाइट करके इधर देखो, खुले हैं उधर सारे। तो जितना किया मैंने किया, मेरा काम मैं करूंगी ना। मैं जा रही हूँ, झाड़ू लगाऊंगी, फिर आपके लिए नाश्ता बनाऊंगी, फिर आपके लिए टिफिन पैक करूंगी, मेरे तो बहुत सारे काम है। तो मैं भी अभी जाऊंगा, नहाऊंगा, पूजा करूंगा, वर्दी पहनूंगा, उसके बाद नाश्ता करूंगा, फिर जाऊंगा। नाश्ता करोगे तो ये हमारे लिए डबल कर लो। तो चलिए फ्रेंड, इनका ऐसा कहना होता है कि हम कुछ करते नहीं है, हमारा इनका हो गया। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लड़ाई कि करना तो सही से करो, ना करना हो तो मत करो। कहते टाइम देखती रहती हूँ, मुझे टाइम इसलिए देखते रहते हैं क्योंकि हमको आके यहाँ पे हम अपना काम भी करना होता है। फिर तो हमारा कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज करो तो उस एक्सरसाइज को उसके तरीके से करो, उसके वे में करो, मतलब जो उसका प्रोसीजर है सही तरीके से वैसे लो। अब गलत तरीके से तुम एक्सरसाइज कर रही हो तो इसका मतलब तुम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाओगे ना, दूसरे शरीर को तो पैसे पहुंचा नहीं रहे हो। तुम गलत कर रही हो गलत तरीके से। गलत तो नहीं करते, कोई मसल खिंच जाएगी या मान लो कोई हाथ पैर में झटक जाए कोई तरीके से, या भाई जहाँ सांस आपको छोड़ना है वहाँ आप शरीर के अंदर सांस अगर जो लोगे खींच के तो परेशानी होगी ना। हेलो फ्रेंड, तो आपकी मीनू फ्री हो गई है अभी एकदम से, आप लोगों से ढेर सारा बात करना चाहती है, ढेर सारा बात करेगी। और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना स्किप किए देखना आप लोग। तो नहीं स्किप कर दोगे तो सब कुछ मिस कर दोगे, मेरा मतलब ये है कि मिस कर दोगे। तो आप लोग बिना स्किप किए देखिए। तो आज कल हम सीख रहे हैं अपनी आई मेकअप, थोड़ा अपने पे ट्राई करते हैं मेकअप करने का, और आई मेकअप भी सीख रहे हैं। बस कहीं नहीं, ऐसे ही अपने पे करते रहते हैं, उसी में सीख रहे हैं आजकल। तो मैंने आई मेकअप किया, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि बताना कि कैसा है आज का मेरा आई मेकअप। आज 2 शेड में मैंने आई मेकअप किया है, तो ध्यान से देखना। ऐसे दिखाते तो मेरी खुली नहीं रही, आँखें ही नहीं खुल रही, ऐसे करो तो दिखता है, आप पता चलेगा आपको कि मैंने 2 शेड में आई मेकअप किया। तो आजकल मैं आई मेकअप सीख रही हूँ, और थोड़ा ही मतलब 2 से 3 मुझे 2 हो गया मैं इसे सीखते हुए, बट हमें लगता है अच्छे से सीख जाऊँगी मैं। तो आज आप लोगों को हमें कुछ दिखाना है, तो ऐसे ब्लॉग में बने रही ना, स्किप मत करना, एक फिर से कह रहे हैं आप लोगों को। और जो हमारे चैनल पर नए वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा से कमेंट भी कर देना। तो चलिए बिना बकबक के आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो आज आप सभी लोगों को हम दिखाएंगे अपनी साड़ी की कलेक्शन, सोचते हैं कि आप लोगों को दिखाएं, कुछ शेयर करें आप लोगों के साथ। तो आज हम आप लोगों को वो दिखाएंगे, तो चलिए दिखाते हैं। तो
फ्रेंड ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पे मेरे पास साड़ी, बट जितना है मैं उतना ही दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। तो दिखाते हैं फर्स्ट टाइम पे हम अपनी एक रेड कलर की साड़ी, जो कि ये बहुत ही प्यारी साड़ी है, जॉर्जेट में है और इसकी लेस ऐसे हैं कुछ, देखिए। और मैंने फोल्ड किया, ऐसे ऐसे हो जाता है यहाँ पे। तो ये बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छी लगती है पहनने में। और मतलब ये ना मेरी शादी के टाइम की साड़ी है, मैंने शादी में लिया था ये वाली साड़ी। थोड़ा दुल्हन उल्हन रेड रेड सी रहती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने उस टाइम पे ये साड़ी ली थी अपनी। ये मेरी साड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, पहन भी बहुत अच्छे से जाती है, जॉर्जेट में पूरी साड़ी है एकदम पूरा, देख सकते हो मस्त। तो ये फ्रेंड हमारे पास पिक्चर्स होगी अगर तो दिख आप लोगों को लगा देंगे, देख लेना शादी के टाइम पे जब हम पहने थे, तो अगर मेरे पास फोटोज़ होगी तो दिखा देंगे आप लोग को, लगा देंगे साइड में, देख लेना। तो ये साड़ी हमें बहुत ही पसंद है, इसलिए हम यहाँ पे अपने पास रखते हैं कि ये फटाफट पहन भी जाती है, तो इसलिए हम इसको रखते हैं। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट साड़ी, उसके बाद में आएगी मेरी सेकेंड साड़ी, ये वाली सिल्क सॉटन में है ये साड़ी। पूरी साड़ी अंदर से मैरून है, ऐसे पूरी पैटर्न ऐसे ही है साड़ी का ये। तो ये साड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है और पहनने में भी इजी है, और मोस्टली हमारे पास फ्रेंड ये ऐसी ही साड़ी मिलेगी आप लोगों को सिल्क सॉटन में, क्योंकि मुझे ये साड़ी बहुत पहनना, इस तरीके से पहनना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसी तरीके से जब भी मैं लेती हूँ साड़ी ऐसे ही लेती हूँ। तो ये मेरी सेकेंड साड़ी हो गई, इसको दिखा दी आप लोगों को। अब मेरी आएगी तीसरी वाली साड़ी, ये भी वैसे ही पैटर्न में है, ये भी बहुत प्यारी साड़ी है, ये देखिए। ये साड़ी ना फ्रेंड जब मैंने कर उस पर फर्स्ट दिवाली पे ली थी, जब मैंने फर्स्ट दिवाली पे पहनी थी, ये मेरी मम्मी ने दिया था, तो मैंने फर्स्ट दिवाली पे पहनी थी तो बहुत तारीफ हुई थी साड़ी की। और मेरे पास फोटोज़ होगी तो लगा देंगे साइड में आप लोग, देखना बहुत अच्छी लगती है ये पहनने में। ऐसे तो इसका लुक नहीं आता इतना अच्छा खुल के, जब पहनो ना तो बहुत अच्छी लुक आती है। इसके पूरे बॉर्डर पे इस तरीके से है, ये आंचल है इसका, और पूरे बॉर्डर में छोटे छोटे मोतियाँ लगे हैं, ये नग लगे हैं इस पर, क्या बोले हैं हम, और ऐसे ही है। ये भी सिल्क सॉटन में ही है, बहुत अच्छी लगती है ये पहनने में, हमें तो बहुत प्यारी लगती है, और कलर भी बहुत अच्छा है, मतलब प्यारा है। आप लोग भी बताना कमेंट करके कैसा है। तो ये मेरी होगी तीसरी साड़ी, दूसरा लाते हैं आप लोगों के लिए। तो ये है फ्रेंड मेरी, सॉरी तीन चार चौथी साड़ियाँ हैं मेरी, ये देखिए ऐसे उल्टी आ रही है, तो फिर ऐसे में सीधी दिखेगी। तो इसके बॉर्डर इस तरीके से, इसमें शाइनिंग है थोड़ा सा, दुफा शाइनिंग टाइप का, थोड़ा मेजेंटा कलर में आता है फिर ये कलर जो हम पहनते हैं, फिर लाइटिंग वगैरह इस पर जब लगता है ना, तो बहुत प्यारा इसका कलर आता है खुल के, और शाइनिंग है, दो शेड में साड़ी है, तो ये बहुत प्यारी साड़ी है। ये मेरी शादी की साड़ी है, जो मेरे ससुराल से गया था मैं शादी में, जो चढ़ाव वगैरह जो जाता है डाल पे, वो साड़ी है ये। मोस्टली मैंने इसको शायद एक बार पहना है, रक्षाबंधन पे पहना है, तब से मैंने पहना नहीं है। शायद तीज पे पहनी थी फर्स्ट टाइम, तीज पे पहनी थी मैंने, जो इससे पहले जो तीज आया था, ये वाला तीज नहीं, इससे पहले जो तीज आई थी उस पे पहनी थी मैंने ये साड़ी। इसकी भी फोटोज़ होगी तो लगा देंगे साइड में, देख लेना आप लोग। इसकी आंचल बहुत प्यारा है, मैंने उल्टा फोल्ड कर रखा है ना, तो इसलिए अच्छे से नहीं दिखता है, इस तरीके से है, और पूरा ऐसे लटकन लटकन इसमें पूरा लगा हुआ है। और ये देखिए बहुत सुंदर लगती है साड़ी, पहनने पे ना बहुत अच्छी लगती है, और साड़ियों की फुल लुक आती है जब हम पहनते हैं, अच्छे से रेडी होते हैं, तब वो और भी खिल के आ जाती है साड़ियाँ। तो ये मेरी साड़ी है, इसको हटाते हैं, दूसरी साड़ी लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड दिखाते हैं हम आप लोगों को ये वाली साड़ी। ये वाली साड़ी हमें उस टाइम पे जब चल रही थी ना, हर कोई ले रहा था, तो बहुत पसंद आई थी ये वाली साड़ी। हल्की ग्रीन कलर में है, इसमें थोड़ा वीडियो में थोड़ा कम लाइट दिख रहा है इसका कलर, बट इसका बहुत डार्क है, ग्रीन बोलेंगे इसको, धानी बोलेंगे, जो कुछ भी बोलेंगे, इसको बहुत डार्क कलर है, बट इसमें बहुत सिंपल सा दिख रहा है, अभी कलर अच्छे से नहीं आ रहा वीडियो में। तो ये साड़ी हमें उस टाइम पे बहुत अच्छी लगी थी, चली थी, बट एक बार पहनने के बाद फिर रख गया है ना, वैसे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए थे पहन के, फिर पहने नहीं है, रखा हुआ है। अब मुझे उन टाइम पे शौक चढ़ा था तो मैंने ले लिया था, फिर अब अनकम्फर्टेबल सा फील होता है इसको पहनने में, तो मैं नहीं पहनती हूँ, बट अच्छी है साड़ी ये भी, फिर भी
ये कहूँगी मेरी साड़ी अच्छी है, तारीफ करूँगी। मैं थोड़ा अभी थोड़ा हमें पहनने में कम वो लगता है, इसलिए मैं कम पहनती हूँ। कम क्या, एक ही बार पहना, जब से पहना नहीं है। तो इसकी भी पिक्चर्स हमारे पास फोटोज है, बहुत अच्छी फोटोज आई थी, तो आपको साइड में लगा देंगे, देख लेना आप लोग। इसमें ज़्यादा कुछ दिखाने लायक नहीं है कि वर्क है, ये है एकदम सिंपल साड़ी है, और ये बहुत चल रही थी अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने ले लिया था। और उसके बाद में है मेरी एक ग्रीन कलर की साड़ी, ये भी साड़ी बहुत प्यारी है। इसमें थोड़ा ऐसे वर्क है, और साइड में थोड़ा ये दूसरा कपड़ा है, ये इस तरीके से है, रेड रेड से पूरे इस तरीके से दिखी। तो ये साड़ी पूरी ऐसे है, नीचे साइड में पूरा ऐसा है, इसका आँचल कहीं अंदर मैंने फोल्ड कर रखा है, उल्टा पुल्टा मैंने फोल्ड कर लेती हूँ, तो अच्छे से नहीं दिख रही है। बट ये साड़ी बहुत प्यारी है, ये भी साड़ी अभी मैंने इसका एक बार पहना है सिर्फ, तो उसकी फ़ोटोज़ तो शायद मेरे पास नहीं होगी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे ब्लॉग वगैरह नहीं बनाती थी, ज़्यादा फ़ोटोज़ भी नहीं खींचती थी, तो मेरे पास इसकी फ़ोटोज़ तो नहीं है। बट ऐसे दिखा दे रहे हैं, देख लेना और कमेंट करके बता देना कि कैसी है फिलहाल। लेकिन ये अच्छी लगती है मुझे साड़ी, क्योंकि सॉफ्ट है, ये पहन जाती है जल्दी से साड़ी। तो एक ये हो गई, एक दो तीन एंड चार पाँच छः, छह साड़ियाँ मैंने दिखा दी आप लोगों को। अब आती है मेरी एक प्यारी सी रेड कलर की साड़ी की, ये देखिए इसमें भी फोटोज़ फ्रेंड बहुत लाइट दिख रहा है इसका, बट इसका डार्क रेड है, और बहुत प्यारी साड़ी है ये। अभी मैंने रक्षाबंधन पे पहनी थी, एकदम ये सिंपल साड़ी है, कुछ भी इसमें वर्क वगैरह कुछ नहीं है, आप पहनने में बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। तो एकदम से ये सॉफ्ट है, बस इसकी बॉर्डर है जो हमारे आँचल पे भी है, और पूरी साइड में नीचे पूरा लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ, तो बस ऐसी साड़ी है। और ये इसकी ब्लाउज थोड़ा हैवी है, तो उसकी वजह से साड़ी मुझे ये बहुत प्यारी लगती है। तो ये मेरी फेवरेट साड़ी है आजकल, ये सिंपल सी है रेड कलर की, और मेरे पास फ़ोटोज़ है इसकी, साइड में लगा देंगे, तो आप लोग देख लेना, कॉमेंट करके ये भी बताना कि कैसी लगी मेरी साड़ी ये वाली। मेरे पास एक लास्ट साड़ी बची है, ये देखिए, ये भी ग्रीन कलर की है, एकदम प्लेन साड़ी है, इसमें कुछ भी वर्क वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, सब पूरी ग्रीन साड़ी है, ये देख सकते हो ऐसे साड़ी, ये एकदम से ग्रीन है ये, और इसमें कुछ वर्क वगैरह नहीं है। बस ये साड़ी मुझे इसका भी शौक कुछ दिन पहले जाना था कि प्लेन साड़ी, इसकी हैवी ब्लाउज है, तो उसकी वजह से मुझे ये थोड़ी सी अच्छी लगी थी, तो मैंने उन टाइम पे बहुत शौक चढ़ा था मुझे, तो मैंने ये वाली साड़ी ले ली थी, अच्छी लग रही थी उन टाइमों पे, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी ये, और अभी भी लग रही है। तो अभी फ्रेंड हमारी साड़ी की हो गई है कलेक्शन ख़त्म हो गया है, तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि मेरी साड़ी कैसे लगी। और बट इतनी मेरे पास साड़ी थी, मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ कि कब मुझे हम लोगों को यहाँ से जाना पड़े फ्रेंड, ये पता नहीं होता है, तो इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा नहीं रखते हैं कपड़े। बट इतना फिर भी मेरे पास ज़्यादा है, वो पहनते नहीं है साड़ी, बस क्या होता है ना, कभी मन कर दिया कोई कहीं जाना है या कहीं घूमने जाना है, ऐसा तो पहन लिया थोड़ा बहुत, उसके बाद नहीं पहनते हैं, तो इतनी है। फिर कभी आप लोगों को ढेर सारा जो अलमारी मेरी भरी पड़ी है, और बेड में बहुत सारी साड़ियाँ मेरी रखी हैं, तो कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को वो साड़ियाँ हम दिखाएंगे जो मेरी शादी की साड़ी है। अगर आप लोग शादी की साड़ी हमारी देखने चाहते हो कि हमारी शादी में कितनी साड़ियाँ गई थी, तो कॉमेंट करके बताना आप लोग, फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, जल्दी मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। जो हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा से कॉमेंट करके बताना कि आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।